ये दो लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। So, इस तरीके के रील्स वीडियो एडिटिंग हम लोग VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर करने वाले हैं। So, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग VN वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपको VN ऐप को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आपको साइड में एक प्लस का आइकन दिखता है। So, आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने रील्स का लिंक दे रखा हूँ। सो आपको उस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको रील्स वीडियो डाउनलोड नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि रील्स वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद अब आपको उस रील्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होता है। अब वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले आपको वीडियो के एंड में जाना है। एंड में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखता है। सो आपको इस पर क्लिक करके इस पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको म्यूजिक इसमें ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस म्यूजिक एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। देन आपने जो रील्स वीडियो डाउनलोड किया है उसको फिर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा देर वेट कर लेना है। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो आप लोग इस चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका म्यूजिक जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद अब हमको यहाँ पे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अब हमको यहाँ पे 10.12 सेकेंड पे आ जाना है। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि 10.12 सेकेंड पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन अब आप लोग देख सकते हो कि इसका जो फोटो है वो यहाँ से कट हो चुका है। कट करने के बाद आपको इसको क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आपको जो भी फोटो इसमें ऐड करना है उस फोटो वाले सेक्शन में आकर वो फोटो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट अब इसमें हमको एक इफ़ेक्ट ऐड करना है। इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा स्लाइड करना है। स्लाइड करने पे आपको यहाँ पे एक फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसको ओवरऑल कवर कर देना है जितना ये हो पाए, और स्टार्टिंग से इसको रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस फोटो को कट करना है। सो आपको बीच में से इस फोटो को कट करके यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड करना है। सो यहाँ पे आपको फिर से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। देन आपको इसको इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जूम इन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको ओवरऑल कवर कर देना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वीडियो जो है अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। ये दो लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर एक एक्सपर्ट का ऑप्शन दिखता है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे 100% हो जाएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको ये रील्स वीडियो एडिटिंग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।